यूं तो मालवा अंचल में कई चमत्कारिक स्थान है, लेकिन आत्री माता का दरबार चमत्कारिक भी है और प्रसिद्ध भी। यहाँ माता के चमत्कारों से जो भी भक्त वाकिफ हुए हैं या जिन भक्तों की मन्नत माता ने पूरी की है, वे आत्री माँ के सामने अपनी जबान काट कर चढ़ाते हैं। ये महज धार्मिक आस्था नहीं हो सकती, क्योंकि जबान जैसे अंग को झट से शरीर से अलग करके माँ के सामने अर्पित कर देना एक तरह से माता के चमत्कार को ही बताता है। आइए देखते हैं आत्री माता के ये धार्मिक धाम रियल न्यूज की नजर से। यूं तो पूरे मालवा अंचल में कई तीर्थ स्थान है जो प्रसिद्ध भी हैं और चमत्कारी भी। इन्हीं तीर्थ स्थानों में से एक है करीब 900 साल पुराना नीमच जिले के मनासा तहसील के नजदीक स्थित आत्री माता मंदिर, जो धार्मिक आस्था का केंद्र है। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार संवत 1208 में माता भैसासुरी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। प्राचीन काल से ही माँ आत्री चंद्रावत राजपूतों की आराध्य देवी रही है। आत्री माता सभी धर्म संप्रदाय को मानने वाले अपने भक्तों की सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी करती है। कहा जाता है कि सन 1972 में पहली बार झालरा के रहने वाले बारेर समाज के एक भक्त ने आत्री माता से मन्नत मांगी थी और पूरी होने पर अपनी जबान काट कर चढ़ाई थी। लेकिन चमत्कार ये हुआ कि ठीक 9 दिनों में उस भक्त की जबान फिर से आ गई थी, और तभी से आत्री माता के इस भव्य मंदिर में भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर जीभ काट कर माँ को अर्पित करते आए हैं। माता के चमत्कार से उन भक्तों की जबान भी 9 दिनों में वापस आ जाती है। मैम, आप ये बताइए कि आप जो यहाँ आत्री माता जी में आए और आपने जो जिह्वा काट के चढ़ी थी, वो क्यों चढ़ी और क्या कारण है? मैं मंदसौर से आई हूँ और मेरी पुराने संत तारारों की मन्नत थी। मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी, डॉक्टर ने कह दिया था कि इनका कोई चांस नहीं बचने, तो मैंने माता जी का स्थान भी नहीं देखा था और सिर्फ माता जी का नाम सुना था कि आत्री माता बहुत चमत्कार है। तो मैंने वहीं से मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना करके विनती की थी, मेरी माँ अगर 16-17 साल अगर जी जाएगी तो मैं जीवन चढ़ाऊंगी आपके। हाँ, ये मेरी मन्नत। क्या आपको जबान काटते हुए क्या दर्द नहीं हुआ? मेरे को तो कोई महसूस भी नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, बस ये ध्यान है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे आई हूँ और यहाँ कैसे क्या करना, बस इतना ध्यान। काम मैंने करा सब, मेरे को ये ध्यान है कि मैं ये कर रही हूँ, बस दर्द तो महसूस नहीं हुआ, हल्का हल्का सब तो पता नहीं चला कि क्या होगा। जैसे माता जी की अपने आप शक्ति हो जाती। हमने ये तो यहाँ पे आदमियों को तो काफी जीवन काटते हुए देखा है जी, मगर पहली बार हम देखने में आया, हमें सुनने में आया और आपको देख रहे हैं कि आपने जीवन काट के चढ़ी है, ये प्रेरणा आपसे आपको कहाँ से मिली? ये अपने आप प्रेरणा मिली, सुना था मैंने नाम के बोले माता जी का चमत्कार अद्भुत है, बोले कुछ भी काम हो जाता है तुम्हारा जीवन चढ़ती माता जी। तो 2 बार मैंने कोशिश करी आने की, पर यहाँ लोगों ने कहा कि जीवन नहीं चढ़ाती, तो मेरी इच्छा थी कि मैं चढ़ूँ, मेरा काम हो गया माता जी ने करा तो मेरा भी वचन है, इसलिए मेरे दिमाग में टेंशन थी। और यहाँ तीसरा तो मेरा नंबर है और चौथा एक और बाई ने चढ़ाई दी रही हूँ आपको, चौथी लड़ी से यहाँ चढ़ाई। आराम से बोल सकते हैं? हाँ, बोल रही, खा रही, पी रही, मेरे को कोई टेंशन नहीं हो, 9 दिन तक कोई परेशानी नहीं, आराम से रही। स्वास्थ्य विभाग के लोग तो आप ये इसमें विश्वास करते हो कि जीवन काटने का वापस आती है? हाँ बिल्कुल विश्वास है, आ गई थी शुरू हो गई। यहाँ की व्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या सुझाव है बताइए? व्यवस्था तो ठीक है, पर यहाँ की व्यवस्था इसलिए लेडीज के लिए ज्यादा परेशानी है कि पानी की व्यवस्था, जैसे कोई दुकान चढ़ाने वाला कोई व्यक्ति आए, यात्री आए, तो उसके लिए नीचे उतरने में परेशानी थोड़ी आती। खैर, माता की शक्ति देखती है, पर इसकी व्यवस्था ऊपर ही हो जाए तो ठीक है। धर्मशाला भी होना चाहिए, खाना वाना बनाने में बहुत परेशानी आती है।
के चले जाइए। कितने दिन हो गए? कोई तकलीफ वगैरह हुई नहीं हुई? आपकी क्या कोई मन्नत थी? बच्चे की मन्नत थी?